नमस्कार दोस्तों मैं आलोक कुमार चैन ट्यूटोरियल्स बिलासपुर में आपका स्वागत करता हूं आज से हम छत्तीसगढ़ विषय के क्वेश्चन एयर अपलोड कर रहे हैं ये क्वेश्चन एयर सी जी पी एस सी सी जी व्यापम और छत्तीसगढ़ में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस के अनुसार होंगे और इसमें पूरे सिलेबस के अनुसार प्रश्नों को हल करके आ, उनके उत्तर को समझाया जाएगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी लिस्ट दी जाएगी जहाँ से आप सभी वीडियोज को देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास से क्योंकि इसी सेक्शन से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को भी सम्मिलित किया गया है तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ बनता है इतिहास शब्द का अर्थ क्या है उत्तर हम देखते हैं इति धन हास विवरण देखते हैं इतिहास शब्द का अर्थ होता है इति धन हास अर्थात ऐसा हुआ था <coughs> अगला प्रश्न देखते हैं हम इतिहास में हम किस बात का अध्ययन करते हैं उत्तर बीते हुए समय का तो इतिहास में हम किस बात का अध्ययन करते हैं बीते हुए समय का जो समय बीते हुए समय में जो घटनाएं हो गई उन सभी का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं इतिहास के अंतर्गत तीसरा क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के इतिहास को हम कितने भागों में बांट सकते हैं उत्तर है तीन छत्तीसगढ़ के इतिहास को हम कितने भागों में बांट सकते हैं तीन भागों में अगला प्रश्न छत्तीसगढ़ के इतिहास के तीन भाग कौन से हैं? उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल तीनों का थोड़ा सा विवरण मैं दे देता हूं हालांकि आगे इनके बारे में लिखा गया है प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है इतिहास का ऐसा समय जिसका लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिला है आदि ऐतिहासिक काल का मतलब होता है इतिहास का ऐसा समय जिसका लिखित साक्ष्य है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक और ऐतिहासिक काल का मतलब होता है ऐसा समय जिसका लिखित साक्ष्य मिला है और उसे पढ़ा भी जा सकता है ठीक है <pay smiles> अगला प्रश्न देखते हम प्रागैतिहासिक काल को हम कितने भागों में बांट सकते हैं तो प्रागैतिहासिक काल को हम उत्तर देखते हैं चार भागों में बांट सकते हैं ठीक है अगला प्रश्न हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के चार भाग कौन से हैं उत्तर पूर्व पाषाण काल मध्य पाषाण काल उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल ठीक है तो प्रागैतिहासिक काल के कितने भाग हैं चार भाग हैं पूर्व पाषाण काल मध्य पाषाण काल उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल अब एक विशेष सूचना चैन ट्यूटोरियल्स बिलासपुर में सीजीपीएससी प्री मेंस एसएससी के नए बैच प्रतिवर्ष की भर्ती इस वर्ष भी शीघ्र प्रारंभ हो रहे हैं जिन विद्यार्थियों को फीस में विशेष छूट लेनी हो वो चैन ट्यूटोरियल की स्कॉलरशिप भर्ती परीक्षा देवें और उनमें अर्जित अंकों के आधार पर फीस में अधिकतम पचास प्रतिशत तक की छूट ली जा सकती है अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें <coughs> तो चलिए अब हम इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में पूर्व पाषाण काल से संबंधित प्रश्नों को पहला प्रश्न हमारा आता है पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य के रूप में क्या मिला है उत्तर देखते हैं हस्तचलित कुदाल तो पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ से क्या मिला है हस्तचलित कुदाल अगला प्रश्न हम देखते हैं हस्तचलित कुदाल कहाँ से मिली है उत्तर देखते हैं रायगढ़ की सिंघनपुरी की गुफा रायगढ़ जिले में सिंघनपुरी की गुफा है जहाँ से हस्तचलित कुदाल मिले हैं फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं दोस्तों मैं आलोक कुमार चैन ट्यूटोरियल बिलासपुर के ओर से आपको एक प्रश्नोत्तरी हल करा रहा हूं ये सी जी पी एस सी सी जी व्यापम और छत्तीसगढ़ में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को भी जोड़ा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन छत्तीस सिंगनपुरी की गुफा को अन्य किस नाम से जाना जाता है उत्तर छत्तीसगढ़ का भीम तो सिंघनपुरी की गुफा को अन्य किस नाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ का भीम का नेक्स्ट सिंघनपुरी की गुफा किसका हिस्सा है चमर ढाल पर्वत के गिरिपद तो सिंघनपुरी की गुफा किसका हिस्सा है चमर ढाल पर्वत के गिरिपद का हिस्सा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिंघनपुरी की गुफा किस नदी के बेसिन पर है उत्तर हसदेव और मांड तो सिंघनपुरी की जो गुफा है वो हसदेव और माइंड नदी के बेसिन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है उत्तर सिंघनपुरी की गुफा ठीक है छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है सिंघनपुरी की गुफा और ये कहां है रायगढ़ में है नेक्स्ट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन शैल चित्र कहां से मिले हैं सिंघनपुरी की गुफा तो छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन शैल चित्र कहां से मिले हैं सिंघनपुरी की गुफा और ये कहां है तो रायगढ़ में है नेक्स्ट क्वेश्चन सिंघनपुरी की गुफा की खोज किसने की उत्तर देखते हैं एंडरसन तो सिंघनपुरी की गुफा की खोज एंडरसन ने की थी 1910 के आसपास क्लियर <coughs> अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं सिंघनपुरी की गुफा की जानकारी का प्रकाशन कब हुआ उत्तर देखते हैं 1918 तो जो सिंघनपुरी की गुफा है उसकी जानकारी का प्रकाशन कब हुआ था 1918 में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अमरनाथ दत्त ने सिंघनपुरी की गुफा का विस्तृत अध्ययन कब शुरू किया उत्तर देखते हैं उन्नीस तो जो अमरनाथ दत्त थे उन्होंने सिंघनपुरी की गुफा का विस्तृत अध्ययन कब शुरू किया था 1910 में एक विशेष सूचना और देना चाहता हूं दोस्तों मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डालूँगा आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियोज़ मिलें ठीक है नेक्स्ट सिंगनपुरी की गुफा के साक्ष्यों को एकत्र करने में प्रमुख भूमिका किसकी रही उत्तर है लोचन प्रसाद पांडे एन घोष और डी एच गार्डन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सिंगनपुरी की गुफा से प्राप्त शैल चित्र में किसका चित्रण है उत्तर देखते हैं मनुष्य मानव का चित्रण है नेक्स्ट सिंगनपुरी की गुफा के शैल चित्र किस रंग के हैं? उत्तर देखते हैं लाल या गिरवे रंग के तो जो सिंगनपुरी की गुफा है जो रायगढ़ में है वहाँ से जो शैल चित्र मिले हैं वो लाल या गेरुए रंग से बने हैं जिसका कारण आयरन ऑक्साइड हो सकता है नेक्स्ट सिंघनपुरी की गुफा के चित्रों की समानता किसके साथ की जाती है उत्तर है ऑस्ट्रेलियाई चित्र तो ये काफी कुछ ऑस्ट्रेलियाई चित्रों से मिलते जुलते हैं नेक्स्ट रायगढ़ जिले के अन्य किन स्थानों से आ, पूर्व पाषाण काल के साक्ष यहाँ थोड़ा गलत प्रिंट है रायगढ़ जिले के अन्य किन स्थानों से पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं उत्तर है छापामार भंवरखोल गिद्धा और सोनबरसा ये सभी रायगढ़ जिले में हैं। है नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक काल का काल के सबसे अधिक शैलचित्र कहाँ से मिले हैं तो उत्तर है सिंघनपुरी की गुफा से मिले हैं प्राग ऐतिहासिक है काल में पूर्व पाषाण काल ठीक है सिंगनपुरी की गुफा तो यहाँ पर हमने पूर्व पाषाण काल से संबंधित देखिए प्रश्नों को हल किया ठीक है अब एक विशेष सूचना आपके लिए चैन ट्यूटोरियल्स बिलासपुर में सी जी प्री मेंस एसएससी के नए बैच प्रतिवर्ष की भांति प्रारंभ हो रहे हैं जिन बच्चों को फीस में पचास प्रतिशत तक की छूट लेनी है वो चैन ट्यूटोरियल के स्कॉलरशिप भर्ती परीक्षा को दे करके अपने प्राप्त अंकों के आधार पर फीस में छूट ले सकते हैं जिसके लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं ठीक है तो चलिए अगली प्रश्नोत्तरी हम हल करते हैं चलिए दोस्तों तो अब हम मध्य पाषाण काल छत्तीसगढ़ में मध्य पाषाण काल से संबंधित प्रश्नोत्तरी हल करते हैं तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर एक छत्तीसगढ़ में मध्य पाषाण काल के चित्र कहाँ से मिले हैं उत्तर देखते हैं हम रायगढ़ जिले के कबरा पहाड़ से तो मध्य पाषाण काल के चित्र छत्तीसगढ़ में कहाँ से मिले हैं रायगढ़ जिले के कबरा पहाड़ से नेक्स्ट रायगढ़ जिले के कबरा पहाड़ से प्राप्त चित्र किस प्रकार के हैं उत्तर देखते हैं लाल रंग से बनी छिपकली घड़ियाल सांभर कुल्हाड़ी आदि के तो रायगढ़ जिले के कबरा पहाड़ से प्राप्त जो शैलचित्र हैं, वो लाल रंग की लाल रंग से बनी छिपकली घड़ियाल सांभर कुल्हाड़ी आदि के हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मध्य पाषाण काल के औजार किस प्रकार के थे उत्तर है अर्धचंद्राकार तो मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वो किस आकार के मिले हैं अर्धचंद्राकार अर्धचंद्राकार का मतलब होता है देखिए इस प्रकार का ऐसा कर्व के आकार का ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हम बस्तर के किन स्थानों से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं तो बस्तर के ये स्थान हैं जहाँ से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं कालीपुर खड़गा घाट गढ़ चंदेला घाट लोहांग भांतेवाड़ा राजपुर गढ़ घोघरा ठीक है तो चलिए आगे की प्रश्नोत्तरी सॉल्व करते हैं हम चलिए दोस्तों हम छत्तीसगढ़ के उत्तर पाषाण काल से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं पहला प्रश्न है धनपुर जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही से उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य के रूप में क्या मिला है पहली बात इसको आप याद रखिएगा धनपुर अब जो है गौरेला मरवाही में आता है और यहाँ से उत्तर पाषाण काल का साक्ष्य मिला है उसके रूप में क्या मिला है तो मानव आकृति का चित्रण अगला प्रश्न है रायगढ़ के किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं तो रायगढ़ के महानदी की घाटी से उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं एक विशेष सूचना चैन ट्यूटोरियल बिलासपुर में सीजीपीएससी प्री मेंस एसएससी का प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नया बैच चा, चालू हो रहा है और जिन विद्यार्थियों को फीस में छूट लेनी है वे चैन ट्यूटोरियल की स्कॉलरशिप भर्ती परीक्षा देकर फीस में पचास परसेंट तक की छूट ले सकते हैं चैन ट्यूटोरियल के सभी विद्यार्थियों को अपडेटेड क्लास क्लास नोट्स और बुक्स क्लास में ही दी जाएंगी चलिए ठीक है आगे हम बढ़ते हैं चलिए दोस्तों मैं आलोक कुमार चैन ट्यूटोरियल बिलासपुर की ओर से अब हम छत्तीसगढ़ में नवपाषाण काल से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं पहला प्रश्न बालोद जिले के पुरातात्विक स्थल चितवा डोंगरी की खोज किसने की बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये पिछली बार पीएससी में पूछा भी था तो किसने की थी भगवान बघेल और रामेंद्र मिश्र ने बालोद जिले में पुरातात्विक स्थल है जिसका नाम क्या है चितवा डोंगरी और इसकी खोज किसने की थी भगवान बघेल और रामेंद्र मिश्र ने की थी अगला क्वेश्चन देखते हैं चितवा डोंगरी से प्राप्त सत्ताईस शैल चित्रों में से अधिकतम किसके हैं तो चितवा डोंगरी जो कि पुरातात्विक स्थल है ऊपर हमने देखा है ना भगवान बघेल और रामेंद्र मिश्रा ने इसकी खोज की यहाँ से अब अभ, अभी सत्ताईस चित्र मिले हैं जिसमें से अधिकतम जो है वो किसके हैं तो ड्रैगन के समान किसके समान ड्रैगन के समान आगे बढ़ते हैं हम बालोद के अर्जुनी से प्राप्त चित्र बालोद के अर्जुनी से प्राप्त किसके समय का चित्र मिला है तो यह हथोड़ा एक्चुअल में क्वेश्चन मिस प्रिंट है मैं इसको समझा रहा हूँ बालोद के अर्जुनी से जो शैल चित्र मिला है वो किसका है तो किसका है हथोड़े का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम रायगढ़ के किस स्थान से नवपाषाण काल का साक्ष्य मिला है देखिये नवपाषाण काल ना तो टेरम रायगढ़ में टेरम करके जगह है वहां से नव पाषाण काल का साक्ष्य मिला है नेक्स्ट राजनांदगांव के किस स्थान से नवपाषाण काल का साक्ष्य मिला है तो ये है बानी टोला कई जगह पर बोन टीला भी लिखाया है तो थोड़ा देखिएगा इसको तो गांव के किस स्थान से नवपाषाण काल का साक्ष्य मिला है तो बानी टोला या बोन टीला ठीक है अब दोस्तों आपको एक विशेष सूचना मैं देना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं व्हाट्सएप और आपका जो टेलीग्राम है उसका लिंक दे दूंगा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आपको पूरे वीडियोस मिलते रहें तो चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा मैं तब तक के लिए मैं आलोक कुमार मुझे विदा दीजिए धन्यवाद